Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we're going to discuss about bagging classifiers. Okay, in the previous video, we learned about bagging ensembles. We saw in the introduction that bagging is a technique where what you do is you have different base models and you give every base model a different subset of your data ka, so that your models are trained in different ways and then you take their voting and you do aggregation. ठीक है तो दिस वाज द कोर आइडिया इन बैगिंग इस वीडियो में व्हाट वी विल डू इज विल यूज दैट आइडिया टू डू क्लासिफिकेशन ठीक है तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो में हम लोग दो चीजें करेंगे हम सबसे पहले एक डेमो ऐप पे चीजों को रन करके देखेंगे एक फील लेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे काम कर रहा है बैगिंग में और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे कि हम लोग एक कोड के थ्रू सारी चीजें करके देखेंगे फिर से ठीक है तो लेट्स स्टार्ट सो या गाइस दिस इज द वेब ऐप दैट आई हैव मेड यूजिंग स्ट्रीमलेट And I'll use this web application to show you कि bagging कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या different types होते हैं जो हमने last video में देखे थे उन सबको हम लोग यहाँ पे चला के देखेंगे ठीक है So यहाँ पर I'll first show you कि हमारे पास data set क्या है हमारे पास एक toy data set है जिसमें U-shaped points हैं दो classes में one और zero और हमारा काम है इसके ऊपर classification perform करना ठीक है अब क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते टाइम यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इनपुट्स ठीक है दैट इज हाउ बैगिंग क्लासिफायर वर्क्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रोवाइड इज यू हैव टू सेलेक्ट अ बेस एस्टिमेटर ठीक है सो आपके जितने भी बेस मॉडल्स होंगे वो कौन से एल्गोरिदम के होंगे ये आप डिसाइड करते हो यहाँ पे मैंने अभी तीन ऑप्शंस दिए हैं आप चाहो तो और ऑप्शंस दे सकते हो बट इनिशियली वी आर गोइंग टू यूज डिसीजन ट्रीज दैट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इज कि आप कितने एस्टिमेटर्स यूज कर रहे हो कितने ट्रीज यूज कर रहे हो ठीक है लेट्स से मैं बोल रहा हूँ मुझे 100 एस्टिमेटर्स यूज करने हैं ठीक है नेक्स्ट इज आप हर बेस मॉडल को जैसे यहां पर मेरे पास अभी ट्रेनिंग डेटा में देर आर 375 रोज ठीक है तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितने सैंपल्स या फिर कितने रोज हर मॉडल को देना चाहता हूँ राइट लेट्स से मैंने अभी डिसाइड किया कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव 50 रोज सो होगा क्या यहाँ पे सैम्पलिंग होगा हमारे एक्चुअल डेटा सेट में से 50 रोज को रैंडमली ड्रॉ किया जाएगा और हर बेस मॉडल को वो 50 रोज मिलेगा अलग अलग हर बार सैम्पलिंग करके हमको मिलेगा ठीक है नेक्स्ट इज कि क्या मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना है ट्रू मुझे करना है इसका मतलब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगा एक आइटम को ड्रॉ करने के बाद उसको वापस डाल दिया जाएगा सो हो सकता है कि एक ऐसा डेटा सेट फॉर्म हो सकता है जहां पे हर रोज सेम हो या फिर ऐसा भी डेटा सेट फॉर्म हो सकता है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो बट मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स जो बनेंगे दे विल हैव डुप्लीकेटेड रोज बिकॉज हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज मैक्स फीचर्स मेरे पास मेरे डेटा में देर आर ओनली टू कॉलम्स तो फिलहाल मैं दोनों कॉलम्स को यूज कर रहा हूँ और बूटस्ट्रैप फीचर्स फॉल्स है कुछ मैटर नहीं करता अभी और मैं रन एल्गोरिदम पे क्लिक करूंगा अब रन एल्गोरिदम के पीछे मैंने क्या कोड लिख रखा है कि बिहाइंड द सीन्स एक डिसीजन ट्री इंडिविजुअली ट्रेन होगा और एक बैगिंग क्लासिफायर ट्रेन होगा विद 100 डिसीजन ट्रीज तो दोनों का मैं परफॉर्मेंस आपको साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ ठीक है सो अगर मैं इस कोड को रन करूँ थोड़ा टाइम लगता है सो या गाइस यू कैन सी कि जब मैंने एक सिंगल डिसीजन ट्री को रन किया तो मेरा एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 0.86 और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये बता रहा है कि ओवरफिटिंग हुआ है क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे पर्पल रीजन में देयर इज दिस ऑरेंज लाइन ऑरेंज रीजन दिस शोज कि यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है ट्रेनिंग डेटा पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे बट नए डेटा पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे यू कैन सी ये जो रीजन्स हैं ब्लू रीजन्स ये जो छोटा ब्लू रीजन है दीज रीजन्स दे शो दैट ओवरफिटिंग हो रहा है ठीक है नाउ लेट्स सी कि बैगिंग का क्या सीन है सो बैगिंग में यू कैन सी कि थोड़ा एक स्मूथ सा कर्व फॉर्म हो रहा है तो यू कैन ऑलरेडी सी कि बायस के टर्म्स में हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है बट वेरियंस को हमने रिड्यूस कर दिया है सो हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट नहीं करेगा एंड दैट इज द ट्रू पावर ऑफ बैगिंग सो यू कैन सी यूजिंग दिस पिक्चर यूजिंग दिस ग्राफ कि बैगिंग कैसे आपको लो बायस लो वेरियंस का मॉडल बना करके देता है ठीक है अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कई चीजें कर सकते हो लाइक इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई KNN सेम सेटिंग्स के साथ लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है सो यू कैन सी KNN के केस में भी एक्यूरेसी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है KNN ऑलरेडी मुझे स्मूथ सा ही बाउंड्री दे रहा है बट अगर आप देखो बैगिंग के केस में वो बाउंड्री थोड़ी और स्मूथ एंड है ठीक है तो दिस अगेन शोज की ओवरफिटिंग थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है एंड दैट इज वाई एक्यूरेसी भी इंप्रूव्ड है ठीक है वी कैन ऑल्सो चेक फॉर SVM सो या यहाँ पर एक्चुअली हमारा मॉडल थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है इन कंपेरिजन टू सिंगल SVM 100 SVMs मिल करके खराब रिजल्ट दे रहे हैं बट इट्स ओके
मोस्टली आप डिसीजन ट्रीज ही यूज करते हो एंड कभी कभी के एन एन, SVM आप बहुत कम ही यूज करते हो. ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए डाला था सो दैट आई कैन शो यू कि एग्जैक्टली आप ये कर सकते हो. ठीक है, तो यू कैन ट्राई विद मोर एल्गोरिदम्स, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, बट या एल्गोरिदम्स आप चेंज कर सकते हो बैगिंग के लिए. ठीक है, वॉट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ बेस मॉडल्स. लाइक से कि मैं 500 मॉडल्स यूज कर रहा हूँ, देखते हैं इससे क्या डिफरेंस आता है. सो कुछ खास डिफरेंस तो नहीं आया, बट या यू कैन ट्यून दिस पैरामीटर ऑल्सो. ठीक है, आप नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स बढ़ाने से जनरली परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है एक पॉइंट तक, उसके बाद फिर फर्क नहीं पड़ता. बट या दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके, यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद मैक्स सैम्पल्स. यहाँ पे आप सैम्पल्स को बढ़ा बढ़ा के चेक कर सकते हो. लेट्स से मैं 150 पे चेक कर रहा हूँ विद 500 डिसीजन ट्रीज. सो अगेन कुछ खास डिफरेंस नहीं आया. ठीक है, नाउ आई विल शो यू द फोर टाइप्स ऑफ बैगिंग, बैगिंग, पेस्टिंग, रैंडम सबस्पेसेस, रैंडम पेस्टिंग. ये चारों मैं आपको दिखाता हूँ. So I'll just select 100 decision trees and I'll first show you pasting. Pasting कब होता है? जब आप replacement नहीं करते, sampling without replacement जो होता है that is pasting. ठीक है, तो I'll be taking 75 rows या rather I'll take 50 rows and bootstrap samples को मैं false कर दूंगा. तो अब ये जो case बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना pasting का case. ठीक है, अब generally बहुत ज़्यादा difference नहीं आता इस तरह के toy data sets पे. जैसे यहाँ पर यू कैन सी कुछ खास डिफरेंस आया नहीं. ठीक है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा सेट्स या फिर एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स, तो वहां पे डिफरेंसेस दिखने लग सकते हैं. ठीक है, तो बस यार मुझे दिखाना था कि कैसे काम करता है. नेक्स्ट इज रैंडम सबस्पेसेस. रैंडम सबस्पेसेस के केस में आप क्या करते हो कि आप रो सैम्पलिंग नहीं करते. तो व्हाट आई विल डू इज मैं 375 के 375 रोज को सेलेक्ट कर लूंगा और बूटस्ट्रैप सैंपल्स को फॉल्स कर दूंगा, तो कुछ भी रो सैम्पलिंग नहीं होगा. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्स फीचर्स को 2 से घटा के 1 कर रहा हूँ और बूटस्ट्रैप फीचर्स को ट्रू कर रहा हूँ. ठीक है, और अब मैं रन एल्गोरिदम कर रहा हूँ. ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है आपके पास. यू कैन सी एक सिंगल डिसीजन ट्री से भी खराब परफॉर्म करने लग गया. और आपका डिसीजन बाउंड्री अगर आप देखो तो इट इज बेसिकली वियर्ड, मतलब वर्टिकल लाइन से बना हुआ पूरा डिसीजन बाउंड्री है, बिकॉज आप सिर्फ एक ही कॉलम पे कट मार रहे हो और कभी कभी दूसरे कॉलम पे कट मार रहे हो. तो बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड थिंग. एनीवेज आपको ये पता होना चाहिए कि आप रैंडम सबस्पेसेस और रैंडम पैचेस तब यूज करते हो जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ रोज होते हैं, देन ओनली दिस थिंग वर्क्स. अदरवाइज आप रो सैम्पलिंग करते हो, कॉलम सैम्पलिंग नहीं करते. ठीक है, वन लास्ट थिंग दैट आई विल शो यू इज रैंडम पैचेस, जहां पे आप रो सैम्पलिंग कॉलम सैम्पलिंग दोनों करते हो. सो लेट्स से मैंने ले लिया 50 रोज और बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ मैं, और मैक्स फीचर्स 1 है और बूटस्ट्रैप फीचर्स ट्रू है. अगेन सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही फीचर ले रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट या दिस इज अ केस ऑफ रैंडम पैचेस. सो या थोड़ा फिर भी इम्प्रूव कर गया बिकॉज ऑफ रो सैम्पलिंग, बट या अभी भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है. हम पहले ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि रैंडम सब स्पेसिस, रैंडम पैचेस आप तभी यूज करोगे जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स है. लेट्स से 10, 20, 50, 100 इस तरीके के कॉलम्स के ऊपर ही आप लगाओगे. अदरवाइज यू विल ट्राई विथ बैगिंग और पेस्टिंग. ठीक है, सो या दिस वॉज द डेमो. मैं इसको एक बार डिप्लॉय कर दूंगा ऑनलाइन एंड आई विल शेयर दिस विथ यू. आप इस टूल को यूज करके अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो. नाउ आई विल शो यू द कोड. ठीक है, आई विल शो यू द कोड कि ये पूरी चीज होती कैसे, कोड्स कैसे काम करते हैं. ठीक है, सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ गूगल कोलैब नोटबुक और मैंने सारा कोड पहले से लिख रखा है बिकॉज अगर मैं साथ में लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. आई विल शेयर दिस नोटबुक विद यू, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. बहुत सिंपल सा नोटबुक है. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे इम्पोर्ट्स ले लिए हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने एक खुद का टॉय डेटा सेट बनाया जहाँ पे मेरे पास 10,000 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ टॉय डेटा सेट जो मैंने मेक क्लासिफिकेशन यूटिलिटी यूज करके बनाया. ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया है. सो 8,000 रोज ट्रेनिंग में चले गए, 2,000 रोज टेस्ट में चले गए. ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, जस्ट टू शो यू, मैंने एक डिसीजन ट्री को इंडिपेंडेंटली ट्रेन करवाया. ठीक है, एक सिंगल डिसीजन ट्री का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सो दैट हम कंपेयर कर पाए कि बैगिंग से कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जब मैंने डिसीजन ट्री को ट्रेन कराया तो द एक्यूरेसी केम आउट टू बी समवेयर अराउंड 87%. ठीक है, 87% का एक्यूरेसी आया. और उसके बाद मैंने फिर बैगिंग यूज किया. ठीक है, सो बैगिंग यूज करते टाइम मैंने बेस एस्टिमेटर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर रखा. नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स मैंने 500 यूज किए. मैक्स सैंपल्स मैंने 0.25 यूज किया. 0.25 यूज करने का मतलब क्या है, मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में 8,000 रोज थे, उसका 0.25 मतलब आई एम यूजिंग जस्ट 2,000 रोज.
ठीक है. सो हर जो 500 के 500 मेरे डिसीजन ट्री क्लासीफायर्स है जो मेरे बैगिंग में है, जितने भी बेस मॉडल्स हैं, उन सबको मैं 2,000 रोज दे रहा हूँ ट्रेन करने के लिए. ठीक है, बहुत कम है, बट या इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे. बूटस्ट्रैप ट्रू कर रखा है तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रहा है. और जब मैंने फिट किया तो ये पूरा मॉडल फिट होने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज देर आर 500 ट्रीज, तो टाइम लगता है थोड़ा. और फिर मैंने वाइब्रेट कैलकुलेट करके जब एक्यूरेसी स्कोर निकाला तो इट केम आउट टू बी 93.7%, राइट. तो डिसीजन ट्री से काफी ज्यादा है, राइट. अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली शो यू सर्टेन थिंग्स, लाइक आई कैन शो यू कि इफ आई रन इट वन मोर टाइम, लेट्स से मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ. मैंने फिट किया, फिट करने में थोड़ा टाइम लगता है. फिट हो गया, वाइप रेट कैलकुलेट किया और एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट किया, थोड़ा रिड्यूस हो गया बिकॉज ट्रेन टेस्ट रेट दोबारा से किया. बट या एनीवेज वी आर गेटिंग अ एक्यूरेसी ऑफ समवेयर अराउंड 92%. ठीक है, नाउ आई कैन शो यू कि हमें हमारे बेस मॉडल्स को कितने रोज मिले. आई कैन शो यू दैट बाय राइटिंग दिस कोड. हमारा बैग इज बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर यू कैन राइट एस्टिमेटर अंडरस्कोर सैम्पल्स अंडरस्कोर. तो ये एक बड़ा सा लिस्ट है जहाँ पे लिस्ट के अंदर नंपाई एरेज में बताया हुआ है कि हर बेस मॉडल को कौन सा रो नंबर मिला है, राइट. जैसे यहाँ पे देखो, ये पहला एरे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फर्स्ट वाला जो डिसीजन ट्री है मेरे बैगिंग में उसको कौन से रोज मिले, उन रोज का इंडेक्स नंबर है. सो आउट ऑफ 8,002523 वाला रो मिला. अगर मैं इसमें से फर्स्ट आइटम को निकालू तो यू कैन सी ये रहा वो फर्स्ट आइटम. अगर मैं इसका शेप निकालू तो यू वुड सी 2000 आएगा, ये देखो. बिकॉज 2000 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो हमारे मैक्स सैंपल्स हैं वो सेट कर रखा है टू बी इक्वल टू 0.25. अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊं और इसको 0.5 कर दूं तो अब मैं 4000 रोज यूज करूंगा. मैं फिर से ट्रेन कर रहा हूँ मॉडल को, ट्रेन हो गया, कैलकुलेटिंग वाइप रेट एंड द एक्यूरेसी स्कोर. सो थोड़ा घट गया, बट अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो यहाँ पे 4000 दिखाई देगा, बिकॉज इस बार आप 4000 रोज यूज कर रहे हो. यू कैन ऑल्सो चेक कि आप कितने कॉलम्स यूज कर रहे हो बाय राइटिंग दिस पीस ऑफ कोड. यू हैव टू सिंपली कॉपी एंड पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ सैंपल्स यू हैव टू राइट फीचर्स. यू कैन सी हम 10 के 10 फीचर्स यूज कर रहे हैं बिकॉज हमने कॉलम सैम्पलिंग किया ही नहीं है, हम रो सैम्पलिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ बैगिंग. नेक्स्ट इज आई विल शो यू कि अभी तक हमने बस डिसीजन ट्रीज यूज किए थे. We can also use a different algorithm. जैसे यहाँ पर I'm using SVM, ठीक है. तो मैंने एक नया मॉडल ट्रेन किया, सब कुछ सेम है, बस बेस एस्टिमेटर SVC है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, और सब कुछ सेम है. मैंने फिट किया, वाइब्रेट निकाला और बैगिंग का एक्यूरेसी निकाला. एंड दिस टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. सो यू कैन सी SVM यूज करने पे हमारा एक्यूरेसी इज कमिंग अराउंड 90%, थोड़ा सा कम ही है. एंड दैट इज वाई पीपल मोस्टली यूज डिसीजन ट्रीज, बिकॉज वही आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं. ठीक है, I will also show you pasting. So pasting के केस में if you can see सब कुछ सेम है. मैं वापस decision tree classifier यूज कर रहा हूँ, number of estimators भी सेम है, max samples 0.25 है, bootstrap इस बार false है. bootstrap false का मतलब sampling without replacement, बाकी सब कुछ सेम है. एक दो चीजें मैंने और यहाँ पे लिखी है, जैसे verbose equal to 1, तो training के time में जो भी information है वो मुझे दिखाई देगा. एंड एन जॉब्स इक्वल टू -1. ये करने से क्या होगा कि मेरे सीपीयू में जितने भी कोर्स होंगे उसमें ये टास्क डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली थोड़ा फास्ट हो जाता है पूरा प्रोसेस. ठीक है, लेट मी शो यू दिस, ये कैसे काम करता है. हम पेस्टिंग कर रहे हैं और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पे लिखा आ रहा है विथ 2 कॉन्करेंट वर्कर्स. मेरे पास अभी दिस इज अ डुअल कोर प्रोसेसर, सो 2 प्रोसेसर में काम डिवाइड हो गया और एक्यूरेसी जो आया यू कैन सी थोड़ा फास्ट था. और जो एक्यूरेसी आया है दिस इज 91.6, ठीक है, जो कि कम है आई एस बैगिंग से. बैगिंग में जब हमने यूज़ किया था 0.25 तो शायद 92-93 समथिंग कुछ आ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर. बट या जनरली स्पीकिंग भी पेस्टिंग से बेटर रिजल्ट्स आपको बैगिंग में ही मिलते हैं क्योंकि बैगिंग में वेरिएशन ज़्यादा आ जाता है, तो बायस थोड़ा सा हिट करता है. ट्रेनिंग डेटा पे रिजल्ट थोड़े से खराब आ सकते हैं बट नए डेटा पे रिजल्ट अच्छे आते हैं बैगिंग में. ठीक है, बट अगेन यू शुड ट्राई दिस, दोनों चीजें ट्राई करके देखना चाहिए.
सो टेस्टिंग हमने देख लिया, नेक्स्ट इज रैंडम सबस्पेसेस. रैंडम सबस्पेसेस में आप रो सैम्पलिंग नहीं करते, सिर्फ कॉलम सैम्पलिंग करते हो. सो मैंने क्या किया, मैक्स सैम्पल्स 1.0 कर दिया. इट मीन्स मैं सारे सैम्पल्स ले रहा हूँ, पूरे के पूरे 8000 रोज ले रहा हूँ मैं, और बूटस्ट्रैप फॉल्स कर दिया, ठीक है, और मैक्स फीचर्स 0.5 कर दिया. तो मैं 10 में से 5 कॉलम्स यूज करूंगा, कोई भी 5 कॉलम्स, और बूटस्ट्रैप फीचर भी ट्रू है, ठीक है. और इस कोड को जब मैं रन करता हूँ और इसका अगर मैं एक्यूरेसी निकालूं, सो यू कैन सी इट इज कमिंग आउट टू बी 91%. आई विल ऑल्सो शो यू कि सच में नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस हुए हैं कि नहीं. सो आई वुड राइट बैग डॉट एस्टिमेटर्स सैंपल्स का 0.shape. यहाँ पे 8000 दिखाई देगा क्योंकि हम सारे के सारे रोज भेज रहे हैं. और अगर आप कॉलम्स की बात करो, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फीचर्स, तो यहाँ पे 5 दिखाई देगा क्योंकि हर डिसीजन ट्री को 5 ही कॉलम्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है. द लास्ट वन इज रैंडम पैचेस. रैंडम पैचेस में आप क्या करते हो, आप कॉलम सैम्पलिंग भी करते हो, रो सैम्पलिंग भी करते हो. तो मैंने वही कर रखा है, मैक्स सैम्पल्स 0.25, बूटस्ट्रैप ट्रू कर दिया, मैक्स फीचर्स 0.5 और बूटस्ट्रैप फीचर्स भी ट्रू कर दिया, और इसको रन किया, और लेट्स सी इसका क्लास एक्यूरेसी कितना आ रहा है. सो या ये थोड़ा सा और कम ही हो गया. सो अगेन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद दिस वैल्यूज, ठीक है. मैं थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ कि कैसे आपको बेस्ट वैल्यूज पता चलेंगी, बट उसके पहले एक और चीज कवर कर रहे हैं. व्हाट इज ओबी स्कोर, ठीक है. सो ओबी क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ. ओबी होता है आउट ऑफ बैग सैंपल्स, ठीक है. सो जब आप रो सैम्पलिंग करते हो तो होता क्या है कि सिंस आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो देर इज अ चांस कि कुछ ऐसे रोज हों जो किसी भी बैगिंग किसी भी डिसीजन ट्री को ना मिले. ऐसा हो सकता है, राइट, कि वो किसी भी डिसीजन ट्री को ना मिले, राइट. और कुछ ऐसे रोज हो सकते हैं जो बार बार मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को मिलते हैं, राइट. क्योंकि आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो कोई भी निकल सकता है, कोई बार बार भी निकल सकता है, कोई ऐसा भी हो जो एक बार भी ना निकले, राइट. तो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ये कि अराउंड 63% ही रोज होते हैं या सैंपल्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, 37% अंदर ही रह जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 37% ये जो रोज हैं इनको हमारे बैगिंग क्लासिफायर ने ट्रेनिंग के टाइम पे देखा ही नहीं, एंड दैट इज वाई वी कॉल देम आउट ऑफ बैग सैंपल्स, ठीक है. उल्टा उसका नाम एक्चुअली इन द बैग सैंपल्स होना चाहिए क्योंकि वो निकलते नहीं है बैग से, बट समहाउ दे कॉल इट आउट ऑफ बैग सैंपल्स. तो आउट ऑफ बैग सैंपल्स क्या होते हैं, देर आर अराउंड 37% रोज जो किसी भी डिसीजन ट्री को नहीं मिलते बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट. तो इस तरह के रोज को अगर आपने ट्रेनिंग में देखा ही नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दीज रोज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल. सो आप क्या करते हो, इस अनसीन डेटा के ऊपर भी एक्यूरेसी एक बार निकाल के देख सकते हो, ठीक है. ये फीचर आपको मिलता है. सो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बस एक ओबी स्कोर बोल के एक पैरामीटर होता है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, उसको अगर आप ट्रू कर दो और फिर अगर आप मॉडल को फिर से ट्रेन करो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सब कुछ सेम है, यहाँ पे बैगिंग कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, बैग डॉट ओबी स्कोर एक एट्रीब्यूट है, उसको रन करोगे तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी कैसा आने वाला है. सो अगर मैं फिर से एक्यूरेसी निकालूं तो यू कैन सी अराउंड में ही आएगा, बहुत दूर नहीं रहता है, आसपास में ही रहता है, ठीक है. तो ओबी जो सैंपल्स होते हैं उनका फंडा बस ये है कि सिंस हम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो देर इज अ चांस कि कुछ रोज कभी भी बाहर आए ही ना, और ऐसा 37% रोज होते हैं, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है. अब उनको सिंस मेरे बैगिंग क्लासिफायर ने ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं देखा, व्हाई नॉट यूज देम एज अ टेस्टिंग मैकेनिज्म फॉर माय एल्गोरिथम. तो मैं उनको यूज करता हूँ एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है. तो दैट इज द ओनली आइडिया, सिंस ये था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है. अब इतनी सारी चीजें हमने कवर की, हमने डेमो देखा, हमने कोड लिखा. I'll just summarize certain things जो मैंने अपने experiments के हिसाब से देखा है, ठीक है. So पहली चीज ये है कि bagging generally gives better results than pasting. Row sampling करने के दो तरीके हैं, bagging, pasting, with replacement, without replacement, ठीक है. तो generally मैंने notice किया bagging अच्छा result देता है pasting के ऊपर, अलग अलग data sets के ऊपर, और उसका reason ये है कि variation ज्यादा रहता है bagging के case में, तो variance low रहता है, तो नए data पे अच्छा perform करता है bagging in comparison to pasting. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ना करो बैगिंग, बस एक पैरामीटर को ट्रू फॉल्स करना है, करके देख लेना हमेशा, ठीक है. सेकंड, जनरली अगर आप रो सैम्पलिंग कर रहे हो
तो मैक्स सैंपल्स का वैल्यू अगर आप 0.25 से 0.5 के बीच में रखते हो तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. ऐसा मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कुछ 10-15 डेटा सेट्स के ऊपर काम करके. बट अगेन दिस थिंग कैन वैरी, बट जनरली स्पीकिंग 0.25 से 0.5 में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं. ठीक है, 0.25 से स्टार्ट करना आप हमेशा, यू वुड सी गुड रिजल्ट्स. ठीक है, थर्ड, रैंडम पैचेस एंड सब स्पेसेस बेसिकली कॉलम सैम्पलिंग should be used while dealing with high dimensional data. जब आपके पास ज्यादा number of columns हैं, then only do column sampling. Otherwise, आपको अच्छे results नहीं मिलेंगे. ठीक है? And the last thing is to find the correct hyperparameter values, we can do grid search CV or random search CV. Basically, अगर आपको इन चारों parameters का सही value निकालना है, तो you should do hyperparameter tuning. अब आप वो grid search CV से कर सकते हो, आप random search CV से कर सकते हो, या फिर आप कोई hyperparameter tuning tool use कर सकते हो, but आपको करना चाहिए बिकॉज ऐसे गेस करने से काम नहीं होगा. ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पे किया है. मैंने यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी लगाया है. ग्रिड सर्च सीवी लगाने में बहुत टाइम लगा मुझे, सो मैं ये कोड दोबारा रन नहीं करूंगा. सो मैंने यहाँ पे मैंने वैल्यूज दे दी. ग्रिड सर्च सीवी अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना कैसे काम करता है. इट्स बेसिकली एक लूप चला के सारी वैल्यूज को चेक करना, इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो एन एस्टिमेटर्स मैंने 50, 100 और 500 के लिए चेक किया. मैक्स सैंपल्स मैंने 0.1, 0.4, 0.7 और 1 के लिए चेक किया. बूटस्ट्रैप मैंने दोनों चेक किया, ट्रू फॉल्स, और मैक्स फीचर्स भी मैंने चेक किया. ठीक है, और जब मैंने फाइनली पूरी चीज को ट्रेन किया यहाँ पे, तो मेरा बेस्ट एक्यूरेसी 8.89 आ रहा था. उसका रीजन ये है कि मैंने बीच में कई सारी वैल्यूज मिस की, बट आप सारी वैल्यूज डाल के देखना, आपको इससे अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा. और ये मेरे बेस्ट पैरामीटर्स थे. मैक्स फीचर्स 0.7, मतलब आउट ऑफ 10 7 कॉलम्स यूज करने को बोल रहा है, और मैक्स सैंपल्स 0.4 यूज करने को बोल रहा है. ठीक है, और एन एस्टिमेटर्स 500 यूज करने को बोल रहा है. बूटस्ट्रैप ट्रू रखने को बोल रहा है, मतलब बैगिंग करने को बोल रहा है. ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो आपको यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. अदरवाइज तो फिर आप गेस करते रह जाओगे कि सही रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, तो या दैट्स इट अबाउट बैगिंग क्लासीफायर. मैंने काफी डिटेल में आपको चीजें बता दी. आई शेयर 2-3 थिंग्स विद दिस वीडियो. आई शेयर दिस नोटबुक, आई शेयर दिस विजुअलाइजेशन टूल, and I will also share a video on grid search CV in case aap interested ho. theek hai, next video mein we are going to do bagging regression, bagging regressor. Uske liye bhi maine ek tool bana rakha hai, main aapko pehle wo dikhaunga aur fir ek code ke upar hum log kaam karenge. So yeah, that's it for the video. I hope you liked it. If so guys, please consider subscribing my channel. Thanks for watching. Bye.